हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. हाउ इज़ एवरीबडी? सो आज जो है हमने लिया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, एंड दिस पेपर आई हैव टेकन फ्रॉम योर एसएससी साइट. और एसएससी साइट कौन सी? SSC.NIC.IN में जब आप स्टूडेंट्स कॉर्नर पे जाएंगे वहाँ पर आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखेगा, तो उसी पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया है. कल की वीडियो में वी हैव कवर्ड 50 क्वेश्चंस ऑफ योर रीजनिंग सेक्शन, एंड आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर जर्नल अवेयरनेस सेक्शन. और इस जर्नल अवेयरनेस सेक्शन में भी वी हैव 50 क्वेश्चन. ओके, सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर SSC CHSL एग्ज़ाम. तो ये नहीं है कि आपके बाकी SSC के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है पेपर. रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, ये सब एक जैसा ही आता है. ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी आप इस जर्नल अवेयरनेस के जो सेक्शन है 50 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो रिपीटिशन में आते हैं, राइट? और कहीं भी आपको इधर उधर सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है. जो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर जर्नल अवेयरनेस सेक्शन. पहला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी. द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज SQL इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर. अब जो हमारा SQL है ये कंप्यूटर साइंस में क्या मतलब होता है? इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? सो द फुल फॉर्म ऑफ SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अब ये जो है, मैंने आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियोस करा रखी हैं मेरे चैनल पे, आप जाना. वीडियोस ज़रा आपको बड़ी लगेंगी लेंथ में, बट अगर आप उन वीडियोस को ही कर लोगे तो आपका काफ़ी जो कंप्यूटर सेक्शन है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. और प्लस वो क्वेश्चंस के साथ मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, तो आपको याद रखने में भी इजी रहेगा. और एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने कम से कम 10 10 20 20 क्वेश्चंस उसमें से ही निकाल के बना दिए हैं. सो SQL की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये एक क्वेरी लैंग्वेज है. अब इसमें ये नहीं है दैट एक SQL ही आपके पास क्वेरी लैंग्वेज है. अपार्ट फ्रॉम SQL वी हैव 50 क्वेरी लैंग्वेजेस जो हैं आपके पास. और ये एक जर्नल पर्पस लैंग्वेज नहीं है, जैसे हमारी सी लैंग्वेज वगैरह होती है ना, दे आर जर्नल पर्पस लैंग्वेज. बट ये जो आपकी SQL है, इट्स नॉट अ जर्नल पर्पस लैंग्वेज. ये आपकी कैसी लैंग्वेज है अगर आपसे पूछा जाए कहीं कि जर्नल पर्पस है या कैसी है, तो आपको याद रखना है इट इज़ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज. और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये डाटा की मैनेजमेंट के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है. ओके, तो इतना डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपको ये पढ़ना है कंप्यूटर सेक्शन, तो मैं फिर से आपको बोलूँगी कि मेरी जो वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो ज़रूर करिएगा. उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको हर चीज़ कराई हुई है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 102. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर. ये भी मैंने कराया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा. और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है. तो क्या है इसमें, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो प्रोसेसर का, कंप्यूटर के प्रोसेसर का पार्ट नहीं है? ALU, CU, रजिस्टर्स या RAM? सो योर आंसर इज़ RAM, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरीज. वी ऑल नो CPU जो होता है वो प्रोसेसिंग में काम आता है. CPU की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, पहले आपकी एक मेन मेमोरी होती है, और ये मेन मेमोरी ही आपकी क्या होती है? RAM. मेन मेमोरी जो है आपकी कहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन को फेच करती है और कहाँ पर इंफॉर्मेशन देती भी है? अब हमारा जो भी डाटा है वो रैम में स्टोर हो गया. अब जो आपकी प्रोसेसिंग होगी उस डाटा की, वो होती है आपकी CPU में. ये है हमारा CPU, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब CPU में भी वी हैव द पार्ट्स, दैट इज़ CU एंड ALU, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या था, जो हमारे लॉजिकल और अरिथमेटिक फंक्शंस थे, दैट इज़ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई लेस देन ग्रेटर देन, वो यहाँ पर परफॉर्म होते थे. अब इन ऑपरेशंस को कंट्रोल कौन करता था? ये करता था आपका कंट्रोल यूनिट परफॉर्म. अब हमने ये देखा CPU में CU, ALU तो हमारे थे, बट और क्या क्या होता है हमारे CPU में? वी हैव MDR,
और ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, R0 से लेकर RN-1 तक क्या होते हैं ये रजिस्टर्स। फिर यहाँ पर होता है हमारा एक MAR, PC, IR और ये सब होते हैं हमारे CPU के पार्ट। तो मैंने क्या बताया आपको, CPU में क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स, और क्या नहीं होता, रैम नहीं होता। ओके, अब रजिस्टर्स का आपका क्या काम होता है, रजिस्टर्स क्या करते हैं, दे क्विकली एक्सेप्ट स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय CPU। अब जो भी CPU में इमीडिएटली जो भी डाटा चाहिए होता है वो हमारा, जस्ट अ सेकंड, वो हमारा कहाँ पर जाता है, रजिस्टर्स में से वो CPU हमारा वो फेच करता है डाटा को, जिसको इमीडिएटली जो है जिसमें या कोई ऑपरेशन जल्दी से परफॉर्म वगैरह करना होता है वो रजिस्टर से फेच करेगा। अब जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्स CPU में यूज़ होते हैं, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपका बाई चांस बनता है यहाँ से तो आपको पता रहे, अदरवाइज़ आप क्या करो, स्पीड बढ़ाओ और जल्दी से मूव फर्दर कर जाओ। ओके, तो जो रजिस्टर्स हमारे CPU में यूज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर्स भी उनको बोला जाता है। और ये जो प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं ये भी बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। फोर टाइप्स के कौन कौन से, पहला है आपका IRC, यहाँ पर हमने करा था ना IRC है क्या, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ओके, ये होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देन वी हैव MBR, क्या पढ़ा था हमने, MBR क्या होता है आपका, MBR इज मेमोरी बफर रजिस्टर। तीसरा है हमारा MDR, ये वाला जो हमने MDR पढ़ा है, दैट इज, दिस इज मेमोरी डाटा रजिस्टर। एंड MAR होता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, MBR, MDR और MAR, ये तीन चीज़ें आपने कर ली, MDR, MAR और MAR। एंड वी हैव IR, तो IR क्या है आपका, इसे इट इज़ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। ओके, PC इज़ प्रोग्राम कंट्रोल। सो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एंड दिस मेन मेमोरी इज़ RAM, जो आपका जहाँ पर जैसे आप कोई भी फाइल जो है जिस पे काम कर रहे होते हो तो फॉर द टाइम बीइंग वो वहाँ पर स्टोर रहती है RAM में, और कोई भी ऑपरेशन वगैरह उसमें परफॉर्म होता है तो वो आपका CPU कर देता है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए मूविंग फर्दर, वन ज़ीरो थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, रोटेशन ऑफ क्रॉप इज़ असेंशियल। रोटेशन ऑफ क्रॉप आपका असेंशियल क्यों होता है, फॉर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, फॉर इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, फॉर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप, या फिर फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो रोटेशन ऑफ क्रॉप आपका इसलिए असेंशियल होता है, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ योर सॉइल। तो ऑप्शन इज डी। अब रोटेशन ऑफ क्रॉप्स में क्या होता है आपका, आपको पता ही होगा, एक खेत है या कोई एक पर्टिकुलर एरिया है आपके पास, उसमें क्या होता है, रादर देन ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप, लाइक फॉर एग्जांपल हम सिर्फ यहाँ पर राइस की खेती कर रहे हैं, तो वो ऐसा ना करने की बजाय हम क्या करते हैं, कभी वहाँ पर राइस उगा दी, राइट, जो भी चीज़ उसके ग्रोइंग सीजन में लग सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में हमने वहाँ पर कुछ और उगा दिया, गर्मियों में हमने अगर राइस उगा दी है, हमने सर्दियों में जो है गेहूं उगा दिया वहाँ पर, फिर कुछ टाइम बाद हमने वहाँ पर ज्वार उगा दिया, जब ज्वार का सीज़न आया कभी हमने उसमें बाजरा उगा दिया। तो इस तरीके से हमने क्रॉप को एक ही जगह पे अलग अलग क्रॉप जो हैं हमने लगा दी। अब इससे क्या बेनिफिट होता है आपको क्रॉप रोटेशन करने से, कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। मान लो अब हम हर साल जो है वहाँ पर राइस की ही खेती कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल होगी वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होगा बस वो उससे वही लेगी, और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट एक ही उसमें रह जाएगा, है ना, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही उसमें रह जाएगा। अब जब हम क्रॉप को रोटेट करके लगाते रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले राइस की लगा दी, वीट की लगा दी, फिर हमने फिर कोई और, तो हमारी जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिलिटी जो होती है वो भी, न्यूट्रिशन वैल्यूज या फिर हम कह सकते हैं फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है।
अब दूसरा इसमें क्या होता है, अगर हम सेम टाइप ऑफ क्रॉप लगाएंगे, तो अब मान लो हमारी राइस की क्रॉप है, ठीक है। अब आपको पता है सिर्फ हमारी ये तो है नहीं, हमने राइस की क्रॉप लगाई तो बस वो क्रॉप रहेगी वहाँ पर, वहाँ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स जिसको आप वीड बोलते हो वो भी रहते हैं, तो वो अब पर्टिकुलर टाइप की जो है वीड वहाँ पर उगने लग जाएगी, तो आप देखोगे आपके राइस के आसपास और भी जंगली पौधे उगेंगे, तो वही उगते रहेंगे। अब जब आप क्रॉप की रोटेशन करोगे एक के बाद कोई, अभी एक कभी दूसरी क्रॉप लगा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि वीड्स को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा ग्रो करने के लिए, तो वो वीड्स भी नहीं उगेंगी आपकी। तीसरा बेनिफिट क्या होता है इसमें, अगर सेम टाइप की आप क्रॉप उगाते हैं हर बार, तो जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट आई एम सॉरी, जो आपके पेस्ट वगैरह होते हैं जो आपके पौधों को खा जाते हैं आके, अब उनको पता रहेगा कि यहाँ पर राइस की खेती होती है, तो वहाँ पर पेस्ट जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो उन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्रॉप की रोटेशन करते हैं। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो क्या होता है इससे बेनिफिट, कि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। चलिए 104 क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज, सीएनजी क्या है फुल फॉर्म इसकी, इट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम अपनी नेचुरल गैस को कंप्रेस फॉर्म में ले आते हैं वो हमारी क्या बन जाती है, सीएनजी। अब इसमें मेजर कंपोनेंट आपका सीएनजी का पूछा है, तो सीएनजी में मेजर कंपोनेंट होता है आपका मीथेन, और मीथेन क्या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ CH4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, राइट। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर तो हमने मीथेन बोल दिया एंड सीएनजी का पूछा था, अगर आपको ये भी पता है कि हमारे पास एलपीजी भी होता है, तो कई पेपर्स में एलपीजी पूछा जाता है, तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के भी कंपोनेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, ये बनी होती है आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन, राइट। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है। सीएनजी में मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है, एलपीजी में मेजर कंपोनेंट प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। देन यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, विच इज़ C3H8 इज़ प्रोपेन एंड फॉर ब्यूटेन इट इज C4H10 इज़ ब्यूटेन। ओके, अब आपको पता है कि हमारा किस तरीके से चलता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो मीथेन हमने देख लिया क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CH4। अब ईथेन का अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ C2H6। प्रोपेन का हमने देख ही लिया है C3H8। यहाँ पर एक एक बढ़ता जा रहा है, नीचे आ रहे हैं, और इधर आपका हाइड्रोजन में दो दो एटम्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। देन ब्यूटेन वी हैव C4H10। सो ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन June 5 एवरी ईयर। 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है, राइट। तो ये बाय हार्ट आपको ये भी याद होना चाहिए, इट इज़ 5th of June। अगर आपसे पूछा जाए कि कब से ये जो है इन्वायरमेंट डे आपका सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था, तो सिंस 1974 वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। एंड थीम अगर आपसे पूछी जाए 2020 की, 2019 की वॉज पॉल्यूशन कंट्रोल, अगर आपसे 2020 क्योंकि आप पेपर हो रहे हैं, अगर इसकी थीम पूछी जाए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, तो यू हैव टू रिमेंबर इट, इट इज़ टाइम फॉर नेचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थीम याद रखनी है आपको, इट इज़ टाइम फॉर नेचर। चलिए मूविंग फर्दर, अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बाय द मीन्स ऑफ, हमारी जो अर्थ है उसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से कौन बचाता है, तो वी ऑल नो कि इट इज़
ओजोन लेयर, ये जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो हमें किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो हमारा कहाँ से आती है, सन से। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको दी हुई हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट इज़ ऑक्सीजन लेयर एंड ओजोन लेयर, एंड यू विल से कि ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन है, बट आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन लेयर मत मार्क करके आ जाना, ये होगा आपका ओजोन लेयर। चले 107 क्वेश्चन, द हाइएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन नेशनल प्लानिंग इन इंडिया इज़, हमारे हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी कौन सी है इन नेशनल प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग करने में इंडिया में, तो आपकी हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। यहाँ पर एनडीसी दिया हुआ है तो आपको मार्क करना है द एनडीसी, ओके। अब पहले जो है हमारी एनडीसी काम करती थी, और ये या अगर आपसे पूछा जाए एनडीसी का हेड कौन था, तब भी हमारे पीएम थे, ठीक है, इट वाज या इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय पीएम। अब जब 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी आ गए तो ये एनडीसी की जगह पर हमारा क्या क्या ले आए, उसके बाद आ गया हमारा नीति आयोग। अगर आपसे बोला जाए एनडीसी दिया हुआ पेपर में तो आप एनडीसी मार्क करें, और अगर कहीं नीति आयोग आपको दिख जाए तो आप नीति आयोग मार्क कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब जल्दी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है फिक्स्ड कॉस्ट का। अब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर चेंज चार्जेस, रेंट फॉर बिल्डिंग, या फिर वेज फॉर कैजुअल लेबर, बताओ। सो फिक्स्ड कॉस्ट का जो एग्जाम्पल है इट इज़ रेंट फॉर बिल्डिंग। अब रेंट फॉर बिल्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल क्यों है, अब देख लेते हैं एक एक करके। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो है आपका, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कोई भी आपका रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको चीनी बनानी है तो चीनी बनाने में आपका गन्ना यूज़ हुआ, तो दैट गन्ना, दैट शुगर केन इज़ योर रॉ मटेरियल, जो भी हमें रॉ में मिलता है, ठीक है। अब इस रॉ मटेरियल का, अब इस गन्ने का प्राइस भी बढ़ता और कम होता रहेगा, डिपेंड्स ऑन गन्नाज या फिर शुगर केन्स प्रोडक्शन, जैसी भी इसकी प्रोडक्शन होगी उस हिसाब से उसका प्राइस जो है चेंज होता रहेगा, तो ये भी एक फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। देन फ्यूल एंड पावर चार्जेस, अब हमारा जो फ्यूल है, ईंधन जो यूज़ होता है आपका, लाइक आप जो पेट्रोल यूज़ करते हो, डीजल यूज़ करते हो, हमारे घर में बिजली आती है, अब ऐसा तो है नहीं ना पेट्रोल का प्राइस फिक्स रहता है, इट डिपेंड्स कि हमने कितना इम्पोर्ट करा, प्लस ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन टैक्सेस, और स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्जेस उस पर लगा देती है। तो फ्यूल का प्राइजेस भी ये तो हर दिन ही हम देखते हैं ऊपर बढ़ता कम होता रहता है। ऑल्सो पावर चार्जेस भी सेम नहीं रहते, इट डिपेंड्स कि भाई हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और कितना वेस्टेज जा रही है, तो उस हिसाब से हमारे पावर चार्जेस डिपेंड करते हैं। तो इसकी भी फिक्स कॉस्ट नहीं है कि भाई आज हमारी यूनिट्स का, मान लो हमारी एक यूनिट का या फिर 10 यूनिट्स का इतना बिल आया, तो कल को भी हमारा उस 10 यूनिट्स का उतना ही बिल आएगा, तो वो बढ़ सकता है हमारा, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, राइट। देन कम्स योर रेंट फॉर बिल्डिंग, अब ये जो आपका रेंट फॉर बिल्डिंग है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब मान लो आपके घर में कोई भी किराएदार आए हैं रहने के लिए, और आपने उनका एक रेंट फिक्स कर दिया कि आपको हर महीने 5,000 रुपये देने हैं, ठीक है। अब आप ये तो करोगे नहीं कि चलो कोई बात नहीं यार, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं तो तुम एक काम करना, आज मैं 5,000 नहीं, तुम मुझे 4,000 दे दो, या फिर यार आज मेरे पास और बहुत ज़्यादा पैसा है तो आज आप मुझे, कोई बात नहीं, आज इस महीने आप रेंट रहने दो, या फिर आप कभी कहो उनसे कि अब मेरे पास पैसा नहीं है तो आप 5,000 की बजाय 10,000 दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो आपके रेंटिंग का सिस्टम है दैट इज़ फिक्स्ड, तो रेंट फिक्स रहता है आपका। देन कम्स योर वेज एंड कैजुअल लेबर, आपको पता है वेज फॉर कैजुअल लेबर, जो आपका लेबर है मिस्त्री मजदूर, इनके भी जो चार्जेस हैं ये भी, इनकी वेज जो होती है, सैलरी होती है, वेतन पर डे का जो इनका हिसाब होता है वो भी चेंज होता रहता है। सो द फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल आ जाएगा आपका रेंट फॉर बिल्डिंग। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये किसने प्रोपाउंड किया था, इट वॉज थॉमस रॉबर्ट माल्टस, ओके। तो आंसर यहाँ पर है माल्टस, इनका जो पूरा नाम है ये है आपका थॉमस रॉबर्ट माल्टस, इन्होंने वर्क करा था, ही रोट एन एस्से ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और वो एस्से कब लिखा था इन्होंने, 1798 में इन्होंने ये एस्से लिखा था,
रॉबर्ट माल्टस ने। अब जब इन्होंने ये एस्से वगैरह क्यों लिखा और प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन कैसे प्रोपाउंड करी, ये इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड में इन्होंने जब देखा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं और इंग्लैंड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उस वजह से बढ़ रही है, तो तब उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा जो है चिंता आ गई कि यार अगर इसी तरीके से हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होती रही तो एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि हमारा जो ये इंग्लैंड है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ना चले जाए। तो इसी वजह से उन्होंने ये पॉपुलेशन जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है वो प्रोपाउंड किया था। तो आई होप आपको याद रहेगा, इट इज़ माल्टस और रॉबर्ट माल्टस। जो भी आपको दिया हो अगर फुल फॉर्म में थॉमस रॉबर्ट माल्टस हो तो भी आपको वही टिक करके आना है। ओके, मूविंग फर्दर, 110 क्वेश्चन देखो आप। द पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव एंड जॉइंट सेक्टर एग्जिस्ट इन, अब ये जो चारों सेक्टर हैं ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट, बताइए। सो योर आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। पब्लिक प्राइवेट जॉइंट सेक्टर ये सब और कोऑपरेटिव ये सब आपके एग्जिस्ट करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 111, 111 क्वेश्चन देख लीजिए। द स्टेट विच स्टैंड्स फर्स्ट इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज, आपको पता है कि हमारे इंडिया से जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं, तो कौन सा स्टेट है जो स्टैंड फर्स्ट करता है हमारे सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट में? तो इट इज़ कर्नाटका। ऑप्शंस में दिया हुआ है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। वी ऑल नो कि हमारा ये जो कर्नाटका में बैंगलोर आता है और बैंगलोर को हम सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं, तो बैंगलोर स्पेशली जो बैंगलोर है हमारा आईटी हब है, आप वहीं से आपको याद रखना है कि ये है आपका कर्नाटका में और ये स्टेट फर्स्ट स्टैंड करता है आपके सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट में। और अगर आपसे पूछा जाए इस बैंगलोर में भी कौन सी कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है, पहला आपको याद रखना है इट इज़ TCS, दैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो हैं आपके सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने में फर्स्ट है। ओके, 60% जो एक्सपोर्ट्स हैं आपका सॉफ्टवेयर का, 60% एक्सपोर्ट्स आपका कर्नाटका से होता है सॉफ्टवेयर का। ओके, चलिए 112 क्वेश्चन पे आ जाइए आप। पंचायत्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द डैश अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना है इसको। पंचायत सिस्टम जो है हमारा, पंचायती राज सिस्टम, ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत हमारा इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सो द अमेंडमेंट वॉज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया था? 1992 में। ओके, अब ये जो पंचायती राज है, पंचायत है क्या, सभी को पता है इट इज़ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस। अब इसके भी वी हैव थ्री सब पार्ट्स, कौन कौन से होते हैं पंचायती राज में? एक तो आपकी होती है ग्राम पंचायत, दूसरी आपकी होती है कौन सी, मंडल परिषद, या फिर वी कैन से कॉल इट एज ब्लॉक समिति, मंडल, ठीक है, ब्लॉक समिति। थर्ड वन इज जिला परिषद। अब आपको याद रखना है दिस ग्राम पंचायत जो है आपकी, ये आपके विलेज लेवल पे काम करती है। ब्लॉक समिति या फिर मंडल परिषद, इट वर्क्स ऑन ब्लॉक लेवल, और जो जिला परिषद है ये आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। अब हमारी जो पंचायती राज सिस्टम है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पंचायती राज सिस्टम है ये हर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हर स्टेट में गांव भी होते हैं तो वहाँ पर ही पंचायत का सिस्टम होता है और हर स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। बट कौन कौन से स्टेट्स में ये पंचायती राज का सिस्टम नहीं है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है मेघालय पहला स्टेट, दूसरा है आपका नागालैंड एंड तीसरा आपका है मिज़ोरम। ये जो नॉर्थ ईस्ट के तीन स्टेट्स हैं ना, मिज़ोरम, नागालैंड और मेघालय, इन तीन स्टेट्स में आपका पंचायती राज का सिस्टम नहीं होता। मतलब इनमें मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में जितने भी गांव हैं उसमें पंचायती राज का सिस्टम नहीं होता।
प्लस आपकी यूनियन टेरिटरीज, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें भी पंचायती राज का सिस्टम नहीं है, जैसे पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, इनमें पंचायती राज सिस्टम नहीं है, एक्सेप्ट हमारा ये जो दिल्ली है, इसमें जो गांव आते हैं दिल्ली के गांव में पंचायती राज का सिस्टम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ऑन, अगर आपके प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी लगानी है, मैं इससे पहले एक और चीज़ आपको बोलूँगी कि अगर आपने मेरे CHSL के वीडियोस जो मैंने जर्नल अवेयरनेस के कवर करा रखे हैं, आई गेस उसके 8 या 9 पार्ट्स हैं, आप उनको ज़रूर देखो, उनमें जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैंने सारे कवर कराए हैं विद एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा डिटेल्स, सो ज़रूर उनको गो थ्रू करना। तो चलो यहाँ पर मैंने ये सारे जो हैं वहाँ पर डिस्कस करा रखे हैं, सरकारिया कमीशन, आपका प्रेसिडेंट कब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, कौन सा जो है उसमें आर्टिकल लगता है, तो सब कुछ मैंने डिक्लेयर वहाँ कराया हुआ है, वहाँ डिस्कस कराया हुआ है। सो आपका जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी कब लगा सकता है बताओ, क्या वो अपने आप लगा सकता है ऑन हिज ओन और अ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट और द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, बताइए। सो द आंसर इज प्रेसिडेंट आपकी नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर करेगा जब आपकी जो यूनियन कैबिनेट है, स्टेट की जो यूनियन कैबिनेट है वो रिटर्न में, हर स्टेट की यूनियन कैबिनेट रिटर्न में जो है आपके प्रेसिडेंट को लिख के दे, ठीक है। और ये जो कैबिनेट है इसको हेड कौन करता है, तो हेड करता है आपका प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो कब वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, जब आपका कैबिनेट जो है उसको लिख के दे। अब आपको एक चीज़ और इसमें याद रखनी है, दैट इज़ कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है, इट इज़ आर्टिकल 352। अगर आपसे पूछें कि स्टेट जो है स्टेट इमरजेंसी कब लगती है, कौन से आर्टिकल में स्टेट इमरजेंसी का जिक्र है, इट इज़ आर्टिकल 356, राइट। और आपसे और पूछा अगर कुछ जाए तो इसमें और क्या पूछा जा सकता है कि हमारी जो ये नेशनल इमरजेंसी थी ये कब लगनी शुरू हुई, या फिर ये लास्ट कब लगी थी, तो ये हमारे इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी, और ये लगी थी आपकी कब 1975 में। और ऊपर वाले क्वेश्चन में जहाँ हमने पंचायती राज सिस्टम करा था, तो इसमें कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पंचायती राज सिस्टम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आया था तो ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, तो ये इसमें कई जगह पर लिखा रहता है बलवंत राय मेहता कमेटी, और कई जगह पे आपका LM सिंघवी कमेटी भी लिखा रहता है, जो 1986 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी आफ्टर इमरजेंसी, ओके। ये याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 114 देख लीजिए, सरकारिया कमीशन जो है वो कब सेटअप हुआ था, या फिर इट इज़ क्या लिखा है क्वेश्चन में, सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप फॉर रिव्यूइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, अब ये जो सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था ये किस लिए बना था, कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन देखने के लिए, ये टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन इट वॉज सेटअप। अब ये सरकारिया कमीशन सेटअप हुआ कब था, इट वॉज सेटअप इन 1983, ठीक है, इमरजेंसी के बाद, ये भी जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी उसके बाद जो है ये सरकारिया कमीशन 1983 में इसका गठन हुआ था। चलिए पॉलिटी से आपने देख लिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब नीचे चलते हैं, ये भी जो दो क्वेश्चन हैं आपके पॉलिटी के ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 इज टू रेज डिस्कशन इन अ हाउस ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, विच मोशन इज यूज, सेंसर, एडजॉर्नमेंट, कॉलिंग अटेंशन, या फिर कट मोशन, बताओ। अगर हमारे को कोई भी जो डिस्कशन है, कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी इशू जो है किसी हाउस में रेज करना है जिसकी जो है पब्लिक अर्जेंट इम्पोर्टेंस, मतलब जो वो चाहते हैं कि सरकार उसकी तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दे, या फिर वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए अर्जेंट है, तो उस क्वेश्चन को रेज करने के लिए, उस डिस्कशन या फिर उस इशू को रेज करने के लिए हमारा कौन सा मोशन होता है, तो वी हैव एडजॉर्नमेंट मोशन,
एडजॉर्नमेंट मोशन पास कराना पड़ेगा और उसके उससे ही वो जो है जो आपका क्वेश्चन है वो रेज होगा. ओके नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 116. हु स्पोक इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड नेशन असेंबली. अब यूएनओ जनरल असेंबली में फर्स्ट टाइम किसने हिंदी में स्पीच दी थी? तो इट वॉज आर अटल बिहारी वाजपेयी जी. अटल बिहारी वाजपेयी जी सबको पता है बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे. तो उन्होंने सबसे पहली बार कब, 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे तब उन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी. और ये दी थी आपकी 1975 में, आपके इमरजेंसी का टाइम था. मैं बार बार इसलिए आपको ये रिपीट करती जा रही हूँ क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए, क्वेश्चंस बनता है इस पर. ठीक है, सो 1975 में इमरजेंसी लगी थी. आफ्टर इमरजेंसी पीरियड जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही स्पोक इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, राइट. चलिए 117 क्वेश्चन देखिए, 117. हाउ मेनी एक्सपेडिशंस डिड बाबर लेड टू ऑक्यूपाई दिल्ली. कितने एक्सपेडिशंस करे थे बाबर ने दिल्ली को ऑक्यूपाई करने से पहले? तो आंसर इज 4. चार बार जो है एक्सपेडिशन करा था. पहला एक्सपेडिशन बाबर ने करा था 1519 में, और ऑक्यूपाई कब कर लिया था, कब जो है आपने दिल्ली को पूरी अच्छी तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया था, फाइनल एक्सपेक्टेशन था उसका 1526. ओके क्वेश्चन नंबर 118. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड. इसमें से कौन सा मॉन्यूमेंट जो है उस वो इट हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट जो जिसके पास डोम है पूरे वर्ल्ड में? तो आंसर इज गोल गुंबज. और पहला अगर आपसे पूछा जाए तो द पैंथियन, इसके पास फर्स्ट लार्जेस्ट डोम है पूरे वर्ल्ड में. क्वेश्चन नंबर 119. ड्यूरिंग हुज रीन फाहाइन विजिटेड इंडिया. किसकी रीन में जो हमारे फाहाइन है उन्होंने इंडिया को विजिट किया था? तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड फाहाइन आए थे. फाहाइन थे कौन? ही वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जिन्होंने इंडिया को ट्रेवल किया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे. और आए किस लिए थे ये हमारे यहाँ पर इंडिया में? ये आए थे एज वी ऑल नो कि एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, तो ये बुद्धिज़्म की नॉलेज लेने के लिए जो है ये आए थे. ओके, टू गेन नॉलेज ऑफ बुद्धिज़्म. यहाँ से वो चाहते थे कि हमारा जो बुद्धिज़्म की स्क्रिप्ट वगैरह हैं वो जाके अपने चाइना में लेके चले जाएं, और पूरे जो बुद्धिज़्म की जो इंडिया में बुद्धिस्ट नॉलेज फैली हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको लेके जाना चाहते थे. अगर आप फाहाइन के रीडिंग्स में जाएं तो आपको कोई भी वहाँ पर ये नहीं दिखेगा कि इंडिया में पॉलिटिकल वो कैसा था. बस आपको सिर्फ वहाँ पर उसका कल्चर जो था उसके बारे में ही फाहाइन की रीडिंग्स में आपको चीज़ें मिलेंगी. तो ये जो फाहाइन है कई जगह पे आपको ये फाहाइन दिखेगा, और अगर आपको यहाँ पर FAXIAN फैक्सियन दिखे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, फाहाइन और फैक्सियन दोनों एक ही हैं. ओके, अब स्टार्ट कब करी थी इन्होंने वॉयज? ये 399 AD में स्टार्ट करी थी अपने इंडिया के लिए वॉयज. और ये इंडिया आ कब गए थे? 400 AD में ये इंडिया आ चुके थे. और इंडिया आके ये अलग अलग बुद्धिस्ट जो लोग बुद्धिज़्म की नॉलेज रखते थे, बुद्धिस्ट लीडर थे या फिर बुद्धिस्ट प्रीचर्स थे, और उनके गुरुओं वुरुओं से मिले, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर इंडिया में आके बुद्धिज़्म की नॉलेज गेन करी, और काफ़ी सारी चीज़ें वो वहाँ पर लेके गए चाइना में. ओके, द स्लेव किंग हु गॉट द टाइटल लाख बख्श वॉज. अब ऐसे कौन से स्लेव किंग थे जिनको टाइटल मिला लाख बख्श का? तो ही वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक. ये थे आपके फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के. और इनको ये टाइटल मिला क्यों, लाख बख्श मिला क्यों इनको टाइटल? बिकॉज वो लिबरल डोनर थे. डोनर मतलब वो बहुत ज़्यादा डोनेट करते थे, जो भी गरीब लोग थे उनकी हेल्प किया करते थे, काफ़ी सारी डोनेशन करते थे. तो उन गरीब लोगों ने उनको इस टाइटल से नवाजा. इट इज़ जो टाइटल था आपका लाख बख्श,
और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपकी स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। अगर आपसे आपसे देखो सामने लिखा हुआ है स्लेव किंग, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के और कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। ठीक है, चलिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर टू रिफ्यूज टू यूज ग्रीज्ड कार्टेज? ये आई होप सभी को पता होगा कि ये जो ग्रीस्ड कार्टेज थे, हमें पता है गाय के मांस से बनते थे ये, तो किसने मना कर दिया था? तो ये थे आपके मंगल पांडे। और हम सभी को पता है इस पर मूवी भी आई थी, तो उसी के बाद जो है हमारा रेबिलियन भी स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे जी ने जो स्टार्ट किया था। ओके, उन्हीं के वजह से। क्वेश्चन नंबर 122, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड सीरू टू। वास्को डिगामा ने कहाँ का सीरू डिस्कवर किया था? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? द आंसर इज इंडिया। ये वास्को डिगामा थे कौन? ये एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे। ठीक है, पोर्टुगीज ट्रैवलर थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इंडिया की तरफ जो है रूट डिस्कवर किया था। और कहाँ से कहाँ तक? यूरोप टू इंडिया ये आए थे, यूरोप से लेकर इंडिया आए थे। और कहाँ से, रास्ता क्या था इनका? विया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है आपका? अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और कौन से किंग थे उस टाइम पे, कौन से किंग की रूल चल रहा था ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग मैनुअल? ओके, 1495 से लेकर ये 1499 में इन्होंने रूल किया था। कौन से किंग थे? किंग मैनुअल। ताप्ती रिवर राइजेज इन विच माउंटेन? ताप्ती रिवर कौन से माउंटेन से राइज करती है? तो ये करती है आपकी सतपुरा रेंज से। तो आंसर इज सतपुरा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। द मेजर गोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन टू। पहला है डिक्रीज द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्म मशीनरी, डिक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट या इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल फार्म्स? तो योर आंसर इज, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन से ही पता चल जाएगा, हरित क्रांति जिसको आप बोलते हो, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल आउटपुट। इसके बारे में आप CHSL वाली मेरी जर्नल अवेयरनेस की वीडियोस देखो, उसमें मैंने आपको सब जो 10-ईयर प्लान है वो आपको किसी क्वेश्चन में मिलेगा, वो 10-ईयर प्लान ज़रूर करो। तो मैंने उसमें आपको समझा रखा है कि हरित क्रांति कब आई और क्यों आई और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर आउटपुट, कृषि उत्पाद में इंक्रीज करने के लिए आपकी, ये था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर गोल। क्वेश्चन नंबर 125 इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है? इट इज़ आपका वाटर, दैट इज़ हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो पावर जो है हमारी, ये सबसे नंबर वन पे एनर्जी रिसोर्स है आज के टाइम की, क्योंकि हमें पता है जो जो सोलर रेडिएशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, जिस चीज़ से भी हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इतनी मात्रा में नहीं होती, लेकिन हमारी जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पावर प्रोड्यूस होती है, आज के टाइम में सबसे नंबर वन पे है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन वीविंग मिल्स आर लोकेटेड इन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन वीविंग मिल्स आपके कहाँ पर लोकेटेड हैं? इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। उसके बाद तमिलनाडु के बाद आपका कौन सा आता है? तमिलनाडु के आपका बाद आपका महाराष्ट्र आता है और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, राइट? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 752, देन महाराष्ट्र 155 एंड देन आंध्र प्रदेश 112। 127th क्वेश्चन, हाइबरनेशन फिनोमिना इज नोटिस्ड इन। हाइबरनेशन फिनोमिना आपका किस में नोटिस किया जाता है? मेमेलियंस, एवियंस, एम्फीबियंस या फिर कॉस्मोनॉट्स? कॉस्मोनॉट्स तो यहीं से क्लियर कट हो जाएगा। देन मैमल्स जो हैं आपके, जो बच्चे को जन्म देते हैं, जिनके स्तन होते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। एम्फीबियंस जो आपके वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। एवियंस जो आपके बर्ड्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर मेरे को आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि कुछ बर्ड्स होते हैं जो हाइबरनेशन फिनोमिना नोटिस करते हैं, कुछ मैमल्स भी होते हैं जो आपकी हाइबरनेशन फिनोमिना नोटिस करते हैं, जैसे आपकी बियर्स हो गई, आपकी लिजर्ड्स हो गई, जो रेप्टाइल्स हैं,
कुछ एम्फीबियंस में भी जो है आपका हाइबरनेशन दिखती है, तो इसमें आप कोई करेक्ट आंसर दे नहीं सकते, बट स्टिल यहाँ पर आपसे पूछा गया रेप्टाइल्स तो दिया नहीं है, तो मैमेलियंस आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ओके, और यू कैन से एम्फीबियंस ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 128, डेंगू इज अ, ये जो डेंगू बुखार होता है ये है कैसा इन्फेक्शन, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोअन? आंसर इज इट इज अ वायरल इन्फेक्शन. डेंगू मॉस्क्यूटो जो है वायरल इन्फेक्शन फैलाता है, और कौन सा वायरस होता है, वायरस का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज़ DENV. DENV है क्या? डेंगू वायरस. ओके, नाउ 129 क्वेश्चन देखो. कॉकरोचेस, प्रॉन्स एंड क्रैब्स प्रोसेसेस, कॉकरोच, प्रॉन और क्रैब जो हैं इनके पास कैसी आईज होती हैं? सिंपल, कंपाउंड, पेरिटियल और नो आईज. तो आंसर है आपका कंपाउंड आईज. अब ये कंपाउंड आईज होती कैसी हैं? ये होती हैं आपकी, ये देखो, आप कभी भी कॉकरोच या बटरफ्लाई, प्रॉन्स, क्रैब्स, इन सब की आंखें देखना, ये इस तरीके की आंखें, जैसे आपकी हनीकॉम्ब होता है ना, हनीकॉम्ब जैसे मधुमक्खी का छत्ता, उस तरीके की आईज होती है इन कॉकरोचेस वगैरह की. ऐसी देखी होंगी ना आपने, हाउस फ्लाई की देखी होगी, बटरफ्लाई में देखी होगी, इस तरीके की आंखें होती हैं. और ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना इनकी आईज में, ये नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं, बहुत सारे लेंसेज, एक आंख में एक लेंस नहीं होता, न्यूमरस लेंसेज होते हैं इनकी आंखों में. अब ये जो आईज हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए जो बटरफ्लाई है, इसमें कम से कम 17,000 लेंसेज जो है इनकी आंखों में होते हैं. ड्रैगन फ्लाई है, 30,000 लेंसेज ड्रैगन फ्लाई की आंखों में होते हैं. अगर आपसे, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि भाई कैसा दिखता है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको फिर भी एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसा करो, स्ट्रॉ लो, स्ट्रॉ को काट दो और उसके बाद इस फॉर्म में गोल करके इकट्ठा लगा दो उनको, और अपनी एक आंख से ना उस स्ट्रॉ में से देखने की कोशिश करो, तो इस तरीके की दुनिया जो है इन कॉकरोचेस वगैरह को दिखती है. ओके, तो याद रखना है, कॉकरोचेस, प्रॉन्स एंड क्रैब्स, दे पोजेस कंपाउंड आइज. 130th क्वेश्चन, बायोडीजल अ काइंड ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये जो बायोडीजल है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? तो आपका ये अलग अलग जगह से ऑब्टेन होता है, जैसे पाम, सनफ्लावर, कॉर्न, सोयाबीन, रैपसीड, बार्ले, ठीक है, कुकिंग ऑयल, लिंसेड, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, कॉटन सीड्स, पम्पकिन. तो यहाँ पर आपका कौन सा दे रखा है इसमें? मस्टर्ड प्लांट. तो आंसर है आपका मस्टर्ड प्लांट्स. तो अभी मैंने जितने चीज़ें भी रिपीट करी हैं वहाँ से भी जो है आपको बायोडीजल जो है आपको मिल जाता है. ओके, मूविंग फर्दर, एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 131. फोटोसिंथेसिस अकर्स, जो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना है हमारा, ये कहाँ पर अकर करता है? ओनली इन लीव्स, ओनली इन स्टेम्स, इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या फिर इन दी रूट्स. अब फोटोसिंथेसिस हमारा होता कहाँ पर है? इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या मिलता है? क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है आपके? ये होता है आपके ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, और यहाँ पर आपकी फोटोसिंथेसिस होती है. तो आंसर इज इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. 132 क्वेश्चन देखो, बनाना लीव्स ऑन मैच्योरिटी टीयर इनटू रिबन्स टू अवॉइड. अब जब आपके बनाना लीव्स मैच्योर हो जाती हैं तो वो रिबन्स में टीयर आउट हो जाती हैं, तो वो किस लिए होती हैं? टू अवॉइड डेसिकेशन, एयर रेजिस्टेंस, स्कॉर्चिंग सनलाइट या फिर म्यूचुअल शेडिंग. तो आंसर इज एयर रेजिस्टेंस. अब ये जो आपका बनाना प्लांट है, आपकी लीव्स आपने देखा होगा इस तरीके से जो है रिबन्स में बट जाती हैं, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जब आपकी विंड आती है, ताकि जो आपकी लीव्स वगैरह हैं ये झुक ना जाएं, इनके झुकने की वजह से, ताकि ये झुके ना, इसी चीज़ को रोकने के लिए आपके रिबन्स में जो है स्प्लिट हो जाते हैं. और इसको आप और क्या बोल सकते हो? टू अवॉइड एयर रेजिस्टेंस, राइट. चलिए मूविंग फर्दर,
133rd क्वेश्चन देखिए, द सब्सटेंस विच चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विदाउट बीइंग लिक्विफाइड, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो नॉर्मल टेम्परेचर में सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या वेपर में चेंज हो जाता है, वो है आपका कैम्फर। मरकरी तो लिक्विड स्टेट में रहता है आपका, है ना, चेंज नहीं होता। आइस पहले लिक्विड में चेंज होता है, बिस्मथ इज़ डिफरेंट थिंग, तो बिस्मथ को तो बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाके लिक्विड में आएगा। तो आपको जो ये कैम्फर है, कपूर है, आप उसको हाथ में भी रख के देखना कपूर को, थोड़े टाइम में वो उड़ जाएगी। सीधा वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से सीधा वो वेपर में जो है वो हो जाती है कन्वर्ट, तो उसी को बोलते हैं आप कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर स्टेट में, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। नाउ 134th क्वेश्चन इज, विच एनर्जी कम्स फ्रॉम सन, सन में से कौन सी एनर्जी आती है आपकी, विंड एनर्जी, थर्मल, टाइडल या हाइडल, वेरी इजी क्वेश्चन। तो जो आपकी है सन में से आती है आपकी सोलर या फिर थर्मल एनर्जी। ओके, 135th क्वेश्चन, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टंगस्टन वायर इन कॉइल्ड फॉर्म इन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा उसमें टंगस्टन की वायर होती है। अब ये जो वायर है इट इज़ फॉर्म्ड, ये क्या होता है इसका, टंगस्टन वायर जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है इसमें होता क्या है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर रेजिस्टेंस, या फिर लोअर मेल्टिंग पॉइंट हायर रेजिस्टेंस, हायर मेल्टिंग पॉइंट लोअर रेजिस्टेंस, या फिर हायर मेल्टिंग पॉइंट और हायर रेजिस्टेंस, बताइए। देखिए ये जो टंगस्टन की वायर यूज़ होती है इसकी हायर मेल्टिंग पॉइंट होती है और हायर रेजिस्टेंस होता है। आपको पता है जैसे ही बहुत ज़्यादा बिजली जो है एकदम से आपकी पावर आएगी तो क्या होगा, फ्यूज़ उड़ जाता है ना, वी ऑल नो। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आग नहीं लगने देता ये। दूसरा चीज़, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अब ये नहीं कि छोटी मोटी जो है पावर की फ्लक्चुएशन हो रही है तो ये जल के राख हो जाए, नहीं, जैसे ही बहुत ज़्यादा पावर आती है तब जाके जो है आपका ये जो फ्यूज़ है वो उड़ता है और मेल्ट हो जाता है। तो क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन, द टाइड्स इन ओशियंस आर ड्यू टू, ये जो टाइड्स आते हैं आपके ओशियन में ये किसकी वजह से आते हैं, ये आते हैं आपके ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, जो आपका मून जो है आपकी ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ की टूवर्ड्स लगाता है, उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही आपके जो समुंदर हैं उसकी लहरें ऊपर उठती हैं, जिसको हम टाइड्स भी बोलते हैं। 137, ऑयल फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय, जब हमारा कोई भी आग लग जाती है जो कि ऑयल की वजह से लगती है, या फिर ऑयल रिफाइनरीज में आग लग जाती है, या फिर हम घर में ही कोई कढ़ाई में ऑयल है उसको गर्म कर रहे हैं और उसमें आग लग गई, तो वो आग कैसे बुझाई जाएगी जो ऑयल की वजह से लगती है, तो वो आग बुझाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। आंसर इज बी, दैट इज़ फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, बिकॉज वी नो कि ऑयल में अगर पानी छिड़कोगे तो आग और ज़्यादा एकदम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली बाय वाटर तो बिल्कुल नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी नहीं, सोडा एसिड तो बिल्कुल भी नहीं। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए क्योंकि जैसे ही आप एक्सटिंग्विशर फॉर्म वाला डालेंगे, फॉर्म वाला मतलब झाग वाला, तो क्या होगा कि उस ऑयल के ऊपर जो है क्या बन जाएगा, फॉर्म बन जाएगा, और वो क्या करेगा, एयर के कॉन्टैक्ट को कट कर देगा और आपकी आग जो है वो बुझ जाएगी। हमें भी पता है जब आग ज़्यादा फैलती है तो उसको, आपकी आग को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, और ऑक्सीजन जो है आपकी हवा की ज़रूरत होती है ना, किसी भी कंबस्चन के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एयर की। तो वो रुक जाएगी एयर का, और इस ऑयल का कॉन्टैक्ट रुक जाएगा फायर का और फॉर्म की वजह से। तो कौन सा एक्सटिंग्विशर चाहिए होता है आपको, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। आई होप इट इज़ क्लियर। 138 क्वेश्चन देखो, द अपैरेटस यूज फॉर मेजरिंग हीट चेंज, हीट चेंज आप किस अपैरेटस की हेल्प से करते हो, दैट इज थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, और ये सब वेलोसिटी चेंज के लिए यूज़ होते हैं, कैलोरी मीटर कैलोरी नापने के लिए होता है, तो थर्मामीटर जो है वो आपका हीट में बदलाव के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 139,
प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जब ये हार्ड हो जाता है तो क्या रिलीज करता है बताओ? इट हार्डन्स बाय कंबाइनिंग विद वाटर, गिव्स आउट वाटर, गिव्स आउट CO2, या फिर कंबाइनिंग विद CO2। हमें भी पता है चूना है, चूने में जब आप पानी मिलाओगे तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आप ऊपर देखा होगा आपने घरों में POP होती है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होती है, आता तो एक पाउडर फॉर्म में है, जब आप उसमें पानी मिला देते हो तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड में, और जब आप POP करते हो तो वो हार्ड हो जाता है ना पानी मिलाने से। तो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय कंबाइनिंग विद वाटर। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का और पूछा जाए तो इट इज़ CaSO4.5H2O। अगर इसमें आप पानी मिलाते हो, दैट इज़ हाफ एच टू ओ मिलाते हो, पानी का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, तो आपका बन जाता है CaSO4.2H2O, जो कि आपका कैसा होता है, हार्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 140, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर जो है आपका किसका अलॉय होता है, कॉपर, निकल और जिंक। पहला चीज आपको याद रखनी है, जर्मन सिल्वर जहाँ भी आपको दिख जाए और अलॉय दिख जाए तो जहाँ जहाँ सिल्वर लगे ना सबसे पहले काट देना, क्योंकि ये सिल्वर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जैसे वाइट गोल्ड होता है ना, उसमें गोल्ड ही नहीं होता, सिमिलरली जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता। ये अलॉय होता है आपका कॉपर, जिंक और निकल का। What was the name accorded to military operation in Kargil in 1999? इस कारगिल का जो ऑपरेशन हुआ था इसको क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 142 देखो, द फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर इज बेस्ड ऑन द बुक क्वेश्चन एंड आंसर रिटन बाय। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर बुक स्लम डॉग मिलेनियर आपको पता है आई थी, ये कौन से नॉवल पे बेस्ड थी, ये नॉवल था आपका क्वेश्चन एंड आंसर, और इसको लिखा किसने था, द राइटर इज विकास स्वरूप, एंड ऑप्शन इज बी। 143rd क्वेश्चन, द इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट इन विच ओनली द टॉप 6 नेशंस जज्ड बाय द रैंकिंग आर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट, ये कौन सा है आपका, ये है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 144, पंकज आडवाणी हैज वन वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप 2009 बाय डिफीटिंग इन फाइनल, 2009 का पूछा गया है आपको, पंकज आडवाणी ने किसको डिफीट किया था, ही वन द वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग माइक रसेल। ओके, आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पर, फोर्थ, दैट इज डी ऑप्शन, माइक रसेल। क्वेश्चन नंबर 145, टू होम डिड इंडिया बीट टू लिफ्ट ONGC नेहरू कप 2019, तो इंडिया ने किसको बीट किया था ONGC नेहरू कप 2009 के लिए, तो ये बीट किया था आपके सीरिया को, SYRIA, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब ये जो ONGC नेहरू कप 2019 का फाइनल मैच था ये कहाँ खेला गया था, इट वॉज प्लेड इन अम्बेडकर स्टेडियम न्यू दिल्ली, ठीक है, एंड वन बाय इंडिया, और सीरिया को इसने कितने पॉइंट से बीट किया था, 6-5 से। क्वेश्चन नंबर 146, द रिसिपियंट ऑफ 42nd ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ दिस ईयर इज, 42nd ज्ञानपीठ अवार्ड जो था वो किसको मिला था इस साल, तो वो मिला है आपका, अब इस साल मुझे नहीं पता ये पेपर कौन से का है, तो हम डिस्कस करेंगे 2019 में किसको मिला था, तो 2019 में आपको याद रखना है, इट वॉज वन बाय अखिताम अच्युतम नंबोथम, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन, अखिताम अच्युतम नंबोथन, राइट। अगर आपसे पूछा जाए ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे, तो इट वॉज प्रेजेंटेड फर्स्ट टाइम इन 1965, सबसे पहली बार 1965 में ये अवार्ड जो है दिए गए थे। चलिए मूविंग फर्दर, आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा, अगर सेशन पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और जितना भी इस वीडियो को जितना हो सके आप पास करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। चलिए 147, हु हैज़ वन द 100 मीटर स्प्रिंट्स एट ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली किसको किसने जीता, तो ये थे आपके उसैन बोल्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। द 148 क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन डिक्लेयर्ड द इंडियन शटलर साइना नेहवाल, 2008 में इंडियन शटलर साइना नेहवाल को किस उससे डिक्लेयर किया गया था, किस नाम से वो प्रोमिनेंट हुई थी। तो शी वॉज फेमस एज मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ 2008, और ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए। वन फोर्टी नाइन क्वेश्चन, द फर्स्ट सिस्टर फ्रॉम इंडिया टू बी कन्फर्ड द सेंटहुड बाय पोप बेनेडिक्ट 16th इज, कौन सी सिस्टर थी पहली इंडिया की जो कन्फर्ड कन्फर्ड द सेंटहुड बाय पोप बेनेडिक्ट 16th वॉज सिस्टर अल्फांजा। याद रखना है इसको आपको। अब लास्ट क्वेश्चन 158 इज, द थ्री कंट्रीज इन सीरियल ऑर्डर विच वन द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स बीजिंग ओलंपिक्स में, कौन सी ऐसी तीन कंट्री सीरियल वाइज हैं जिनको हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स मिले थे, तो द आंसर इज US, चाइना एंड रशिया। इसमें देख लेना कौन सा है आपका ऑप्शन, आई गेस इट्स वर्स्ट, चाइना, USA एंड रशिया। ओके, आई होप द सेशन इज क्लियर, आई होप क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और पसंद क्या, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है या फिर मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर। इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना SSC की साइट से, दैट इज़ SSC.NIC.IN। पेपर डाउनलोड करो, सॉल्यूशन मैं आपको कराती जा रही हूँ। कल मैंने आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन करा दिया था 50 क्वेश्चंस का, आज मैंने 50 आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और बाय हार्ट याद कीजिए, और कोई भी डाउट आए तो यू कैन मेल अस एट sbss.inquiry@gmail.com, एंड अदरवाइज यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड लक, स्टे होम एंड स्टे सेफ।